अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आज की वीडियो में हम नेकलाइन डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए हम लोग फ्यूज़ पेपर पे कटिंग करेंगे। पहले 4 इंच चौड़ा निशान लगाएंगे और 4 इंच ही लंबा, फिर उसको मिला देंगे गोल गले की तरह। उसके बाद 10 इंच नीचे हम लोग लेंगे लंबाई के रुख पे और 1.5 इंच चौड़ा लेंगे। आप चाहें तो 1 इंच रख लें, 1.5 इंच रख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, यहाँ से हम लोग थोड़ी सी कर्व शेप देंगे और इसको 2 इंच पीछे निशान लगा लेंगे। गले के स्टार्ट पे जो हम लोग मिलाएंगे उस लाइन को, वो 1.5 से 2 इंच का फासला होगा उसका। उसके बाद कटिंग करेंगे। जो हम लोगों ने रखा है इसको भी हम कटिंग करेंगे थोड़ी सी। हम लोग यहाँ पे होल नहीं रखेंगे, अगर आप चाहें तो इसको आप शर्ट पे लगाते हुए होल रख सकते हैं। इसके बाद जिस कपड़े पे चिपकाना है वहाँ पे हम लोग आयरन कर लेंगे लगा के। अब हमें गले के गिर्द पाइपिंग करनी है, उसके लिए हम लोग 2 इंच का कपड़ा काट लेंगे और लगाना स्टार्ट करेंगे। अभी हम शर्ट पे अटैच नहीं कर रहे, सिर्फ आपस में इनको जोड़ रहे हैं। अब उसको मोड़ के सिलाई लगा लें। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ से हम लोग कटिंग करेंगे थोड़ी सी इसके सेंटर से, ताकि इसके इधर भी पाइपिंग कर सकें हम लोग। कटिंग करने के बाद नीचे की साइड पे कपड़ा रखेंगे। और उसको सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से भी कपड़े को मोड़ के सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल सेट करके। ये देखिए हमारा लग गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जिस शर्ट पे लगाना है। अच्छा, ये देखिए हम लोगों ने फ्रंट साइड पे लगा ली है, सिर्फ सेंटर में सिलाई लगाएंगे और उसके बाद कटिंग करके बैक साइड
सिर्फ फ्रंट साइड पे मोड़ लेंगे, मतलब हम लोग मेज़ की उल्टी साइड पे रख के लगा रहे हैं, फिर उसके बाद सीधी साइड पे मोड़ लेंगे। के बाद हम लोग सारे गले को सिलाई लगा लेंगे सीधी साइड पे करके, और उसके बाद आप चाहें तो थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो सेंटर में होल भी रख सकते हैं, हम लोगों ने नहीं रखा, शर्ट पे कटिंग करके कट लगा के अच्छी तरह कवर करके आप लोग होल बना सकते हैं। और उसके बाद ये हमारा डिज़ाइन मुकम्मल है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लास्ट स्टेप ज़रूर देखिएगा।